सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज आप देख रहे हो, ये एक हाईवे है जिसके ऊपर भाई 90 की लिमिट है। अगर हम 100 पे पहुंच भी जाते तो कोई बड़ी बात नहीं होती। और आज हम एसी को करने वाले, पूरा बंद, पूरी तरीके से एसी हमारा बंद रहेगा। जो पेट्रोल है थोड़ा सा आज ज़्यादा है और गैस हमारी ट्रांसफर है सीएनजी के ऊपर। अब हमें ये देखना है कि 12 साल पुरानी गाड़ी सीएनजी के ऊपर 0 to 100 कितने सेकंड्स में कंप्लीट करती है। तो उस टेस्ट को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। हम दो जने इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं और कोई भी नहीं इस गाड़ी के अंदर। तो लेट्स सी कि ये 15 सेकंड के अंदर पहुंचती है कि नहीं 100 के अंदर। आरपीएम भाई देखो, जितना हाई एंड मैं लेके जा सकता हूँ मेरे हिसाब से मैं लेके जाऊंगा। सो अब इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। हाईवे है तो हाईवे तो खाली रहता ही है, ठीक है भाई, इतना तो चलता है हाईवे पे। 3, 2, 1 गो। तो भाई स्पीड तो बहुत ज्यादा पावर है गाड़ी में तो, और तीसरे गियर में 90 पहुंच चुकी है और ये चौथा गियर मैंने डाल दिया। तो भाई हवा से बातें तो कर रही है, 15 सेकंड आई थिंक सो हो गए हैं और ये 100 पहुंच गई। तो भाई मुझे पता है क्या लगता है कि चाहे ये एसी ऑन रहे चाहे एसी ऑफ रहे, सीएनजी के ऊपर भाई साहब इसने 30 सेकंड लगाने हैं तो लगाने हैं। पहले एसी ऑन था तब 30 सेकंड लगाए थे इसने, और जब एसी ऑफ था तो 29 या 28 सेकंड लगाए हैं। तो भाई मुझे नहीं लगता कि सीएनजी के ऊपर इतनी ही पावर निकाल सकती है कि भाई ये 15 सेकंड में पहुंच जाए या 16 सेकंड में पहुंच जाए। वो सिर्फ भाई पेट्रोल पे ही पॉसिबल है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं 0 to 100 करूंगा तो इसको पेट्रोल के ऊपर करूंगा तो हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि भाई इसकी ओरिजिनल पावर क्या निकल के आती है। आई होप आपको पसंद आया हो इस पुरानी गाड़ी, 12 साल पुरानी गाड़ी का एक्सेलरेशन देख के। तो भाई सीएनजी के ऊपर मेरे हिसाब से 80 या फिर 85 बीएचपी देती होगी पावर और टॉर्क, जैसे कि इसका पेट्रोल पे 147 है तो सीएनजी के ऊपर इसका अराउंड 120 के होगा आसपास। तो इतनी पावर दिखा रही है तो काफी अच्छी बात है भाई इसके हिसाब से तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।